पिछले दो दिनों से सुर्खियों में छाई नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार की देर रात को सोसाइटी में भारी संख्या में लड़के घुस गए और श्रीकांत त्यागी के समर्थन में बवाल करने लगे। इसके बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया। सोसाइटी के निवासियों ने कुछ लड़कों को दबोच लिया और इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। इस समय सोसाइटी में भारी हंगामा हुआ। निवासियों ने बताया कि सोसाइटी में पथराव करने के लिए करीब 15-16 लोग आए थे। इनमें से निवासियों ने 6 लोगों को दबोच लिया है और बाकी भागने में कामयाब हो गए। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और श्रीकांत त्यागी के समर्थन में लोगों को निवासियों से दूर किया। इस समय सोसाइटी में भारी हंगामा भी हुआ। निवासियों ने पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सोसाइटी में सुरक्षा मजाक बनकर रह गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होने के बावजूद श्रीकांत त्यागी के समर्थन में लोगों ने सोसाइटी में पथराव किया। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और निवासियों को समझाने का प्रयास किया। सोसाइटी में घुसे हमलावरों को देखकर भीड़ एकत्र हो गई। लोगों ने इन्हें घेर लिया। थोड़ी देर बाद ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। सोसाइटी के निवासियों ने इन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि शहर की सुरक्षा तार तार हो रही है, खुलेआम गुंडे सोसाइटी में घुसकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उल्टा पाठ पढ़ा रही है। इसके बाद सोसाइटी की भीड़ ने नोएडा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। सोसाइटी में गलत ढंग से घुसे कई लोगों को निवासी घेर कर खड़े हो गए। अभी इस मामले को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस और कमिश्नरेट की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। जिम्मेदार अफसरों से संपर्क करने की कोशिश भी की जा रही है ताकि इस मामले में पूरी जानकारी निकाली जा सके। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के स्थानीय प्रशासन अब सख्ती से कार्रवाई करने के फिराक में है। इसके पहले नोएडा पुलिस ने दावा किया था कि श्रीकांत त्यागी को 48 घंटे के अंदर हिरासत में ले लिया जाएगा, यानी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन नोएडा पुलिस 48 घंटे के अंदर भी श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उसके उल्टा सोसाइटी में घुसकर उसके लोगों ने आम लोगों पर पथराव किया है। ये आम लोगों ने सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस सुरक्षा के लिहाज से बेहद लापरवाहीपूर्ण तरीके से काम कर रही है। देखने लायक बात होगी कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के हंगामा स्थानीय लोगों ने खड़ा कर दिया है, उसके बाद अब आगे पुलिस एक्शन क्या लेती है, क्या श्रीकांत त्यागी को पुलिस हिरासत में लेती है या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल उस सोसाइटी में हंगामा करने आए लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। बाकी की पूछताछ अब हिरासत में लेने के बाद पुलिस करेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।